संगम की रेती पर लगे माघ मेले के चौथे स्नान पर बसंत पंचमी को लेकर मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर बनाए गए 14 स्नान घाटों पर लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त से ही बसंत पंचमी स्नान शुरू होने के साथ ही बारिश भी रुक रुक कर कभी धीमी कभी तेज होने के बावजूद भी आस्था बारिश पर भारी पड़ रही है। जैसे जैसे बरसात धीमी होती श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता। देश ही नहीं विदेशों से आए सैलानियों ने भी गंगा में दीप प्रवाहित कर हमारे देश की संस्कृति को नमन किया। माघ मेला प्रशासन की माने तो पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। स्नान घाटों पर डीप वाटर ब्रिकेटिंग लगाई गई है। इसके अलावा जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही मेले की सुरक्षा में 200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ATS के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। मेले में नावों के संचालन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की मोटर बोट को छोड़कर अन्य मोटर बोट के संचालन पर स्नान पर्वों के दिन प्रतिबंध रहेगा। केवल निश्चित किए गए 4 घाटों से नावों का संचालन हो सकेगा। 650 हेक्टेयर में बसाए गए माघ मेले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। मेले के सभी 16 एंट्री गेटों पर कोविड के खतरे को देखते हुए जांच की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग का भी समुचित इंतजाम किया गया है। मेले में भीड़ के नियंत्रण को लेकर 16 होल्डिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके।